तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, ग्रुप ऑफ ऑथर्स थे, और एलिजाबेथन एज में इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा पब्लिक के ऊपर। यूनिवर्सिटी विट्स में जो जॉर्ज पिल है इनके बारे में आज मैं बताऊंगी कि जॉर्ज पिल ने क्या क्या लिखा था और इनका जो राइटिंग स्किल था वो क्या था। इससे पहले भी मैंने बताया है ऑथर्स के बारे में, तो मेरे चैनल पे है यूनिवर्सिटी विट्स में ये इनका क्या रोल था, इस चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे। जॉर्ज पिल ही वॉज बॉर्न ऑन 25 जुलाई 1556 एंड वरीड यानी उन्हें दफनाया गया था 9 नवंबर 1596। ही वॉज एन इंग्लिश ट्रांसलेटर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ये इंग्लिश ट्रांसलेटर थे और ये पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। देन हु कोलैबोरेशन विद विलियम शेक्सपियर, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के साथ मिलके प्ले लिखा था और उनका ये फेमस प्ले का नाम था टीटस एंड्रोनिकस। ये जो टीटस एंड्रोनिकस था ये नेम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने विलियम शेक्सपियर के साथ ये कोलैबोरेशन के दौरान ये जो प्ले है इसको लिखा था। तो अब आगे हम लोग इसके वर्क्स को देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या वर्क्स लिखे थे, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब जॉर्ज पील के जो वर्क्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। पील्स वर्क्स कंसिस्ट ऑफ द नंबर वन द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1581। ये जो सन है इसे बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये जो वर्क्स के जो सन होते हैं ना, 21 सन में पब्लिश हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर टू में है बैटल ऑफ एल्केजर 1594 एंड थर्ड द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट। नंबर फोर द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथसेफ। नंबर फाइव द ओल्ड वाइफ्स टेल्स जो कि 1595 में पब्लिश हुई थी। ये इनके वर्क हैं। अब इनके ड्रामा में क्या रोल है इस चीज को। पील्स कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा, पील्स ने ड्रामा में जो भी कंट्रीब्यूशन दिया था तो उसको अब हम एक एक करके देखेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था ड्रामा में। फर्स्ट ही वाइंड द रेंज ऑफ इंग्लिश ड्रामा बाय रिटन अ रोमांटिक ट्रेजिडी, अ क्रॉनिकल हिस्ट्री, अ काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले एंड अ रोमांटिक लिटरेरी सटायर। ये जो पील्स थे तो इनका जो रेंज था इंग्लिश ड्रामा का वो काफ़ी वाइड था, मतलब काफ़ी फैला हुआ था और इनका जो राइटिंग वर्क था वो रिलेट करता था रोमांटिक ट्रेजिडी से, क्रॉनिकल हिस्ट्री से, यानी जो पुरानी चीज़ों को मतलब किस तरीके से लिखा जाता था या फिर जो एंशियंट जो भी पोएटिक स्टाइल होते थे, जो भी उसके फंक्शन होते थे, वो सारी चीज़ें अ काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले, प्ले में किस जैसे अलग अलग तरह के सीक्वेंस होते थे वे सारी चीज़ें, और अ रोमांटिक लिटरेरी सटायर। रोमांटिक लिटरेरी सटायर में भी इन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब देख लेंगे नंबर बी इनटू द प्योरली रोमांटिक फैंटेसी पील सक्सीडेड इन इंट्रोड्यूसिंग एन अमाउंट ऑफ लिटरेरी सटायर द ओल्ड वाइफ्स टेल्स इज द फर्स्ट रोमांटिक लिटरेरी सटायर इन इंग्लिश। ये जो पील हैं इनकी जो पोएट्री थी वो बिल्कुल रोमांटिक फैंटेसी के ऊपर थी और जो पील का जो सक्सीडेड था, ये जो मतलब सक्सेस हुए थे, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने लिटरेरी सटायर को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। द ओल्ड वाइफ्स टेल्स इज द फर्स्ट ड्रामेटिक लिटरेरी सटायर इन इंग्लिश। तो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है मेनली,
कि द ओल्ड वाइफ्स टेल जो थी, इन्होंने इनकी फर्स्ट ड्रामेटिक लिटरेरी सटायर थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि पार्ट बाय पार्ट करके कोई भी चीज़ को अगर पढ़ेंगे तो वो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होती, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये जो डिटेल है इनके लिए, मुझे लगता है कि ये काफ़ी है पील्स का जो कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी बिट्स के अगर राइटर के बारे में लिखने भी आता है तो फिर एक ही राइटर का अगर हम लोग बिल्कुल लेंदी कर देंगे तो फिर इसमें और भी राइटर इंक्लूड होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट्स इनफ के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।